हेलो दोस्तों, ये मैच मैंने आज खेला है संडे को और आज तारीख है 29 नवंबर। मैंने गेम की स्टार्टिंग वाइट से करी थी, D4, और ब्लैक मेरा अपोनेंट है उसने किया Nxf6। उसके बाद फिर मैंने किया Nxf3, फिर मेरे अपोनेंट ने किया E6 और मैंने किया C4, और फिर मेरे अपोनेंट ने किया D5। मैंने पहले बिशप को गेम में बाहर निकाला, Bxf4, तो मेरे अपोनेंट ने अपने नाइट को D7 पे उतारा। मैंने भी अपने नाइट को बाहर निकाला, Nxb3, और फिर यहाँ पर मेरे पॉन पर अटैक कर दिया मेरे अपोनेंट ने, तो मैंने उस पॉन को डिफेंड किया E3 करके। और उसके बाद मेरे अपोनेंट ने किया A6 और मैंने कैसलिंग करने के लिए किया D3, Bxd3। फिर यहाँ पर एक पॉन एक्सचेंज हो जाता है और उसके बाद मेरे नाइट को क्वीन ने पिन किया। मैंने पहले कैसलिंग करके नाइट को अनपिन किया और फिर यहाँ पर मेरा एक पॉन और एक्सचेंज हो जाता है। तो यहाँ तक तो अगर गेम देखा जाए तो इक्वल ही है। उसके बाद यहाँ पर ब्लैक कैसलिंग करने के लिए अपने बिशप को E7 पे रखता है और मैंने पहले किया Rxe1 और फिर यहाँ पर वो कैसलिंग करना चाह रहा होगा लेकिन शायद उससे रॉन्ग टच हो गया होगा, इसलिए उसने King2 F8 किया कर दिया। शायद गलती से किया है, जान के मुझे लगा जैसे गलती से हो गया होगा। तो मैंने यहाँ पे मौका पाते ही अपना पॉन पुश कर दिया Pawn2 D5। तो यहाँ पर E crosses D5 करके मैंने Nxd5 किया, उसने Nxc किया और मैंने Bxc किया। अब यहाँ पर मेरे बिशप पे अटैक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ये चाल चली, जबकि यहाँ पर मुझे अपने बिशप को यहाँ रख देना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद मैंने ये सोच के ये रुक यहाँ पे रखा कि अगर यहाँ से बिशप हटेगा तो क्वीन को डिस्कवर रुक से चेक मिलेगा और क्वीन पे अटैक आ जाएगा, हो सकता है क्वीन मिल जाए। तो उसने सबसे पहले इस क्वीन को बचाया और उसने अपनी क्वीन को D8 पर प्रमोट कर दिया। फिर मैंने क्वीन एक्सचेंज का ऑफ़र दिया, उसने एक्सेप्ट किया और फिर उसके बाद उसने मेरे नाइट पर अटैक बनाया अपने बिशप से। तो मैंने इसके बिशप पे टारगेट बनाया अपने दोनों रुक्स को एक ही फाइल में रख के। मैं चाहता था कि इसका E7 बिशप मुझे मिल जाए, तो इसने बिशप को बचा करके उल्टा मेरे रुक पर अटैक कर दिया। तो मैंने बिशप पे अटैक किया लेकिन यहाँ पे मेरा रुक चला गया, तो ये मेरी एक गलत मूव थी। मुझे यहाँ पर अपने रुक को यहाँ से हटा करके या तो यहाँ रखना चाहिए था या फिर एक स्टेप ऊपर। ओके, तो यहाँ पर मेरा ये रुक चला गया, मैंने उसके बिशप को अपने नाइट से काट दिया। अब उसने यहाँ पर किया H6 और मैंने अपने बिशप को किया E3, Bxd3। उसके बाद किंग को लेके गया वो G8 पर और मैंने इसके पॉन पर टारगेट बनाया। मैंने सोचा या तो मुझे F7 या B7 पॉन मिल ही जाएगा, तो उसने F7 पॉन तो सेव कर लिया अपने बिशप से, तो मैंने B7 पॉन काट दिया। फिर उसके बाद उसने अपने किंग की सेफ्टी के लिए किंग को लेके गया H7 पर, तो मैंने यहाँ पे अपने पोन को पुश कर दिया H3। अब मेरे यहाँ पर रुक से अटैक है, यानी रुक एक्सचेंज ऑफ़र है ये, तो मुझे अभी रुक एक्सचेंज ऑफ़र नहीं करना एक्सेप्ट। तो इसने पहले मैंने चेक दिया अपने बिशप से किंग को और फिर मैंने ये पोन एक्स्ट्रा ले लिया। अब इनका बिशप मेरे रुक को नहीं काट सकता क्योंकि इनका बिशप पिन है,
और अगर ये अपने बिशप से मेरे बिशप को काटेंगे तो मेरा नाइट वहाँ पे बिशप को गार्ड कर रहा है। तो यहाँ पर इसने मेरा एक पोन काट दिया। तो पहले मैंने बिशप काट के चेक दिया और फिर अपने रुक को वहाँ से हटाया। अब इसका टारगेट क्या है कि ये मेरे इस नाइट को अपने रुक से पिन करना चाहता है, और उसने ऐसे ही किया और फिर यहाँ पर मेरा नाइट चला गया। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गेम ख़राब खेल दिया, जिसका खामियाजा मुझे नाइट दे करके चुकाना पड़ा। अब मेरे किंग पर नाइट से चेक आ गया, तो मैंने चेक बचाया और इसने मेरा यहाँ पे अपने रुक से बिशप काट दिया। बदले में मैंने किंग से रुक काट दिया। अब मुझे फिर से चेक है, मैंने चेक बचाया और फिर मैंने यहाँ पर एक पोन ले लिया और चेक दिया किंग को। किंग बच के गया है H7 पर, और फिर यहाँ से एंड गेम स्टार्ट हो जाता है। पहले मुझे चेक मिला, मैंने चेक बचाया और फिर अब मैंने नाइट पे अपने रुक से अटैक बनाया, सर नाइट बचाया और मेरे पोन पर अटैक किया। मैंने पोन पुश कर दिया तो नाइट पे अटैक बनाया और फिर मुझे इसने नाइट फॉक लगा दी और मेरा रुक काटना ये चाहता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने किंग को E3 पर रख देता हूँ, अगर ये मेरा रुक काटेगा तो मैं इसका रुक काट दूंगा, और ऐसे ही हुआ। अब यहाँ पर देखा जाए तो मेरे पास 2 पोन एक्स्ट्रा हैं और उसके पास एक नाइट एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से एंड गेम चलता है इस तरह से। सबसे पहले मेरे पोन पर अटैक है, मैंने पोन को काटा नहीं बल्कि एक कदम आगे बढ़ा दिया और इसी पोन को मैंने सपोर्ट दी। पहले किंग से सपोर्ट दी और फिर मैंने G2 पोन को डबल पुश कर दिया G4 पे, तो मैंने पोन से पोन को सपोर्ट दे दिए। अब मेरा टारगेट ये है कि मैं A4 पोन को आगे बढ़ाते हुए किंग क्वीन में उसको बदल लूँ। तो मैं उसको सपोर्ट देने के लिए किंग को लेके गया, तो यहाँ पर उसने मेरे इस डेंजरस पोन को काट दिया और अपना नाइट गंवा लिया। अब यहाँ पर अगर मैं ये पोन काट दूँ तो ये गेम इक्वल हो जाएगा, ये बात मुझे पता थी। मैंने काटा नहीं, मैंने सोचा उसे काटने दो, तो इसलिए मैंने अपने किंग को उसके किंग के पास लेके गया। उसने यहाँ पे पोन काट दिया, बदले मैंने भी पोन से पोन काट दिया। अब इसके पोन का रास्ता भी रुका हुआ और मेरे पास 2 पोन है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने किंग को धीरे धीरे सेंटर की ओर ले जाना शुरू किया और इस पॉइंट पर इसने रिज़ाइन दे दिया। अगर ये गेम थोड़ा आगे बढ़ता तो ये इस प्रकार से बढ़ता, यहाँ पर मेरे ये 2 पोन्स किसी भी तरह आगे बढ़ जाते। तो ओके, बाय बाय।